आज अगर एक गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके मालिक हो। हाँ ये सच है, तब तक जब तक आप उस गाड़ी की पूरी ईएमआई नहीं भर देते। कार्स 24 के एक डेटा के अनुसार आज इंडिया में हर 5 में से 3 गाड़ियां लोन पर हैं। आज हम सब लोगों में गाड़ी खरीदने की इतनी ज्यादा जल्दबाजी है कि हम लोग लोन लेकर घर खरीदने की बजाय पहले गाड़ी लेना प्रेफर करते हैं। अगर पिछले 3 सालों में देखा जाए कि आखिर होम लोन्स कितने बढ़े हैं तो वो नंबर है 47%, लेकिन वहीं पर अगर हम कार लोन्स की बात करें तो वो 137% से बढ़ चुके हैं, यानी होम लोन्स के करीब 3 गुना। अगर आप लोन लेकर भी एक घर खरीदते हो तो बहुत ही हाई चांसेस है कि आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू बढ़ेगी और आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर गाड़ियों की बात करी जाए तो जैसे ही आप एक गाड़ी को शोरूम से बाहर निकालते हो तो उसकी वैल्यू 5-7% तुरंत गिर जाती है। मगर इसके बावजूद भी आज हमारे देश में लोग घर खरीदने से ज्यादा इम्पोर्टेंस गाड़ियों को दे रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया में आज लोग सिर्फ गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं बल्कि जितना उनकी जेब में पैसा है ना उससे भी ज्यादा महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं। अगर इस डेटा को बहुत ही ध्यान से देखो तो साल 2021 में जो इंडियंस का एवरेज कार बाइंग बजट था वो था 4.5 लाख रुपए, जो कि 2022 में 30% से बढ़कर 6 लाख रुपए पे पहुंच गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कोविड के बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग गाड़ी खरीदने के पीछे इतने पागल हो रहे हैं? तो ये सब कुछ आखिर क्यों और कैसे हो रहा है, इसको जरा डिटेल में समझते हैं। सो देखो, इस पूरी कहानी को डिटेल में समझने के लिए हमें जो गाड़ी खरीदने वाले लोग हैं उनकी साइकोलॉजी को समझना होगा कि वो लोग आखिर सोचते कैसे हैं। 2023 की फोर्ब्स बिलियनेयर लिस्ट के अंदर 169 इंडियंस हैं। इनफैक्ट आज दुनिया के टॉप 100 रिचेस्ट लोगों में भी 8 लोग इंडियंस हैं, और इन लोगों के घर पे ना सिर्फ बड़े बड़े कार के गैराज हैं बल्कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां भी रखी हैं। लेकिन वहीं पर अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की माने तो इंडिया के अंदर 92% ऐसे घर हैं जिनके पास गाड़ियां ही नहीं है। आज इंडिया में हर 1000 लोगों में से सिर्फ 59 ऐसे लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आज ज्यादातर इंडियंस के लिए गाड़ी खरीद पाना एक बहुत बड़ी बात होती है। मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर शशांक श्रीवास्तव भी यही कहते हैं कि आज जो यंग इंडियंस हैं उनके लिए गाड़ी खरीदना एक स्टेटस सिंबल की तरह है। आज हर एक बंदा गाड़ी को एक लाइफ की माइलस्टोन या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट की तरह देख रहा है, लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैंने जिंदगी में कुछ कर लिया है, मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैंने मेहनत करी है, मैं सक्सेसफुल इंसान बन गया हूँ। अब यहाँ पे अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये सारा का सारा खेल है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का, क्योंकि हर एक बंदे के पास आज ये दो ऑप्शंस होते हैं, गाड़ी या घर, जिसमें घर खरीदना गाड़ी खरीदने से ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए लोग अपना घर बनाने से पहले आज गाड़ियां ले रहे हैं। अब ये सब कुछ सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये लेटेस्ट ट्रेंड है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि आज से नहीं बल्कि 1985 में जब मारुति सुजुकी की मारुति 800 आई थी तब भी लोग गाड़ी को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते थे, क्योंकि ये वो टाइम था जब फोर व्हीलर तो छोड़ो, ज्यादातर इंडियंस के घर पे साइकिल भी नहीं थी। एक जमाना हुआ करता था जब अगर किसी के पास मोटरसाइकिल होती थी ना तो सब लोग उसको भी एक अमीर आदमी की तरह देखते थे। और अगर गाड़ियों की बात करें तो प्रीमियर की पद्मिनी और अम्बेसडर, ये दो गाड़ियां हुआ करती थी जिनको सिर्फ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या फिर बिजनेसमैन इस्तेमाल करते थे। पर आज वक्त इतना बदल चुका है कि जहां हम पर एक बाइक लेने तक के पैसे नहीं होते थे, वहीं आज गाड़ी लेने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। प्राइस में ऑप्शन, फीचर में ऑप्शन, कार के साइज में ऑप्शन, ब्रांड्स और यहाँ तक की कार के पेमेंट में भी ऑप्शंस हैं। लेकिन एक ही दिक्कत है, वो ये कि क्योंकि अब लोग गाड़ी को अपनी फंक्शनैलिटी और यूटिलिटी के हिसाब से नहीं बल्कि सोशल स्टेटस के लिए खरीद रहे हैं, इसीलिए खरीदने वाला इन सब में से वो ऑप्शन चूज करता है जो उसके सोशल स्टेटस को ऊपर दिखाए। जैसे इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है SUVs। इस डेटा को जरा ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा कि साल 2018 से लेकर 2022 के बीच में SUV की सेल्स डबल हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे तो SUVs का जो इंडिया के अंदर टोटल पैसेंजर व्हीकल मार्केट शेयर है वो डबल होकर 50% तक पहुंच चुका है, यानी कि आज सड़क पर चलने वाली हर 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी SUV है। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों को SUV की कोई जरूरत है ही नहीं। जब लोगों से SUV खरीदने के पीछे का कारण पूछा गया तो ज्यादातर लोगों का ये जवाब था, ऊंची ड्राइविंग पोजीशन, बड़ी रोड प्रेजेंस, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस। मतलब काम तो छोड़ो, बल्कि यहाँ पर लोग SUV इसलिए खरीद रहे हैं ताकि उनका रोड पर दबदबा हो। लेकिन इंडिया में SUV तो बहुत सालों से बिक रही है, तो पिछले 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे लोग अचानक से SUV लेने के पीछे भाग गए? सो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है प्राइस, क्योंकि अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो लोग SUV की बजाय हैचबैक गाड़ियां लेना प्रेफर करते थे, क्योंकि दरअसल 5 साल पहले ना इंडिया में जो SUVs आती थी वो या तो फुल साइज या फिर मिड साइज SUV होती थी जिनकी लेंथ 4 मीटर से ज्यादा होती थी और उनका इंजन 1.5 लीटर से बड़ा होता था। और ये जो गाड़ियां होती थी इनके ऊपर गवर्नमेंट 28
22% जीएसटी और 22% का सेस चार्ज करती थी, यानी कि जो ओवरऑल टैक्स है वो 50% लगता था। मतलब कि जिस एसयूवी को बनाने के लिए कंपनी ने 10 लाख रुपए खर्च करे हैं, वो आपको मार्केट में 15 लाख रुपए की पड़ती थी। लेकिन 2020 ये वो साल था जब सब कुछ बदल जाता है। टैक्स की वजह से गाड़ियां महंगी हो रही थी, लोग गाड़ियां कम खरीद रहे थे और जो कार कंपनीज थी उनको भयंकर लॉसेस हो रहे थे। इसलिए इन चीजों को बदलने के लिए कंपनीज ने एक लूपहोल निकाला और धीरे धीरे इंडिया में सभी कार कंपनीज ने कॉम्पैक्ट या फिर एंट्री लेवल एसयूवीज लॉन्च करनी शुरू करी। ये गाड़ियां दिखेंगी तो एसयूवी की तरह ही, फील भी सेम आएगी, बस इनकी जो लेंथ है वो 4 मीटर से कम और इंजन 1.2 लीटर के आसपास रखा जाएगा। नाउ सी द मैजिक, ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, इनके ऊपर जीएसटी लगता है 28%, लेकिन जो सेस है वो सिर्फ 1% लगता है। मतलब कि गाड़ी मिल जाती है सिर्फ 29% टैक्स के साथ। और जैसे ही ये किया गया तो मार्केट में जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज की डिमांड है वो एकदम से बढ़ने लगी। और यही कारण है कि आज आपको सड़क पर हर जगह चलते चलते नेक्सॉन, ब्रीजा, सोनेट ऐसी गाड़ियां मिलेंगी। लेकिन ये तो सिर्फ साइज की बात थी, पर साइज के अलावा भी एक और चीज है जिसको लोग सोशल स्टेटस की तरह देखते हैं, और वो है फीचर्स। अब इसको बहुत ही ध्यान से समझना, अगर हम 2016 से लेकर 2022 के बीच में फीचर रिच कार्स की डिमांड देखें तो वो 16% से बढ़कर 24% पे पहुंच गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई कंपनी कार लॉन्च करती है तो वो हर एक मॉडल के कई वेरिएंट लॉन्च करती है। आप कभी नोटिस करना, बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक गाड़ी के जो वेरिएंट है वो बिल्कुल सेम रहते हैं, बस जो फर्क आता है वो आता है फीचर्स में, और कंपनीज ये जानबूझकर करती है। गाड़ी के बेस मॉडल में जो फीचर्स होते हैं वो बहुत ही बेसिक फीचर्स होते हैं, मगर जो टॉप मॉडल है उसमें कंफर्ट और कन्वीनियंस, इन दोनों के हिसाब से फीचर्स डाले जाते हैं। क्योंकि जो कार कंपनीज है उनको इंडियन कंज्यूमर्स की साइकोलॉजी समझ में आती है। आप अपने आसपास देखो, किसको देखकर आपको ये फील होता है कि इसका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, उसी को देखकर होता है ना, जिसकी जिंदगी में आपको ऐशो आराम दिखते हैं, कंफर्ट दिखता है। एंड दिस इज द कैच, कार कंपनीज ने इसी चीज को पकड़ा और इस तरीके से गाड़ियों के मॉडल्स को डिजाइन किया गया कि लोग कंफर्ट के नाम पर सोशल स्टेटस खरीदने लगे। यकीन नहीं आ रहा, लो अपनी आंखों से खुद देख लो। ये है टाटा नेक्सॉन का बेस वेरिएंट, 1199 सीसी पेट्रोल मैनुअल, प्राइस है 8.10 लाख। वहीं पे इस गाड़ी का टॉप मॉडल फियरलेस प्लस SDT पेट्रोल 1199 सीसी, प्राइस है 13.5 लाख। आप खुद देख लो, सिर्फ कुछ फीचर्स के लिए आपकी जेब से 5 लाख रुपए ज्यादा खींच लिए जाते हैं। मारुति सुजुकी के शशांक श्रीवास्तव, वो खुद ये बताते हैं कि जब 2022 में उन्होंने ब्रीजा का सेकंड जनरेशन लॉन्च किया था तो 70% जो बुकिंग आई थी वो सब की सब टॉप मॉडल की थी। इनफैक्ट किया के चीफ सेल्स ऑफिसर भी ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस आज टॉप मॉडल गाड़ियों को लेना प्रेफर कर रहे हैं। आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी, मगर किया मोटर्स ने इंडिया में जितनी भी गाड़ियां बेची है उनमें से 47% गाड़ियां टॉप मॉडल की थी। इनफैक्ट 2022 में उन्होंने जितनी भी गाड़ियां बेची हैं उनमें से 55% गाड़ियां ऐसी थी जिनका प्राइस 10 लाख रुपए से भी ज्यादा था। अब ये जिन फीचर्स के लिए लोग लोन पर गाड़ियां उठा रहे हैं, इनमें से सबसे ज्यादा हाई वैल्यू और सबसे फालतू फीचर है सनरूफ। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि अगर फीचर फालतू है तो इतना हाई वैल्यू कैसे है, और अगर इतना हाई वैल्यू है तो फिर इसको फालतू क्यों कहा जाता है? कंफ्यूज हो गए ना? वेल, नाउ पे वेरी क्लोज अटेंशन। पिछले 5 सालों में इंडिया के अंदर जो सनरूफ गाड़ियों की डिमांड है वो 5 गुना तक बढ़ चुकी है, जिस वजह से आज इंडिया में बिकने वाली हर 4 गाड़ियों में से एक गाड़ी सनरूफ वाली होती है। मगर सच तो ये कि हम सबको पता है कि हमारे इंडिया की रोड्स कैसी है, वेदर कंडीशंस कैसी है, ट्रैफिक जैम्स कितने लगते हैं, और ऐसी कंडीशन में ना शायद ही आपको सनरूफ खोलने का कभी मौका भी मिले। सो इंडिया के अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो सनरूफ कोई बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है, मगर इसके बावजूद भी लोग इसको एक बहुत हाई वैल्यू की चीज समझकर इसके ऊपर भयंकर पैसे खर्च करते हैं। पता है क्यों? अगेन सोशल स्टेटस। और ये बात मैं नहीं बल्कि जैटो डायनामिक्स इंडिया के चीफ मिस्टर रवि भाटिया ने खुद कहा है कि ज्यादातर लोग सिर्फ स्टेटस के लिए सनरूफ वाली गाड़ियां लेते हैं, वरना किसी को इतना शौक नहीं है कि गाड़ी की रूफ जैसी जगह पर कोई वजन ऐड करवाए। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, मगर जब आप गाड़ी में सनरूफ ऐड करवाते हो तो गाड़ी का वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। और ये बात कार कंपनी वाले कभी भी कस्टमर्स को नहीं बताते हैं। इनफैक्ट इफ यू लुक वेरी क्लोजली तो आपको एक गाड़ी का सनरूफ वाला मॉडल और उसी गाड़ी का विदाउट सनरूफ वाला मॉडल, दोनों में जो कंपनी क्लेम्ड माइलेज है ना वो सेम मिलेगी। लोगों का ऐसा मानना है कि सनरूफ वाली गाड़ी में ना आपकी अमीरी खुद बोलती है, बस एक बटन दबाओ और सनरूफ से बाहर निकल जाओ। लोग खुद समझ जाएंगे कि बंदे के पास पैसा है भाई। अब ये तो मैंने एक सनरूफ के फीचर्स की बात करी,
बाकी इलेक्ट्रिक सीट्स, कीलेस स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, फ्लोटिंग या रनिंग इंडिकेटर्स, वायरलेस चार्जिंग, ऐसे कई सारे फीचर्स होते हैं जिनका होना या ना होना एक बराबर है, पर इसके बावजूद भी लोग इसके लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सभी बस फालतू फीचर और शो ऑफ करने के लिए गाड़ियां ले रहे हैं, कुछ लोगों को सच में काम होता है। लेकिन आज इंडिया में जो नई गाड़ियों की सेल इतनी ज्यादा बढ़ी है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण है यूज्ड कार मार्केट। इंडिया का यूज्ड कार मार्केट जो 2023 में $27.47 बिलियन का था, वो 2028 आते आते डबल होकर $55.49 बिलियन तक पहुंचेगा। और इसका कारण यूज्ड कार प्लेटफॉर्म्स, Cars24, कार ट्रेड, कार देखो, स्पिनी, ये सारी कंपनीज जब से इंडिया में आई है तब से पुरानी गाड़ी को बेचना और एक सेकेंड हैंड गाड़ी को खरीदना, ये दोनों करना बहुत आसान हो गया है। पर एक सेकेंड, आखिर ये सेकेंड हैंड गाड़ियों का नई गाड़ी की सेल से क्या कनेक्शन? तो देखो, आज भले इंडिया में SUVs सबसे ज्यादा बिक रही हैं, लेकिन 2011 से लेकर लगभग 2021 तक इंडिया में जो सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं, वो थी हैचबैक्स। यही कारण है कि आज नई गाड़ियों की सेल में तो SUV सबसे ज्यादा बिक रही है, लेकिन जो सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं उनमें सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां हैं हैचबैक्स। अब ऐसा है क्यों? इसके लिए थोड़ी सी डिटेल्स को समझते हैं। देखो, आज से कुछ साल पहले जहां पर लोगों ने मारुति सुजुकी की सेलेरियो, वैगनआर, ऑल्टो, ह्युंडई i20, टाटा एल्ट्रोज ऐसी गाड़ियां खरीदी थी, अब वो उन गाड़ियों को इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर नई SUVs जैसे कि ब्रीजा, क्रेटा, सोनेट ये सारी आ चुकी है। और ये सब कुछ होने के पीछे ये दो सबसे बड़े कारण हैं, जिसमें पहला है सेलिंग प्राइस, क्योंकि इन कार प्लेटफॉर्म्स पर जो गाड़ियां हैं वो लोकल मार्केट से बेटर सेकेंड हैंड प्राइस पर बिक रही है, तो लोग यहां पर बेचना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और दूसरा जो कारण है वो है ऑथेंटिक बाय ऑफ। लोकल मार्केट्स में ना सेकेंड हैंड गाड़ियों में बहुत फ्रॉड्स होते हैं, गाड़ियों में ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो कस्टमर्स को कभी बताई ही नहीं जाती। ऐसे में जो लोग सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदना चाहते हैं उनको ये कार प्लेटफॉर्म्स घर बैठे बैठे अच्छे प्राइस और सही कंडीशन में बिना किसी फ्रॉड के सही गाड़ी दे देते हैं। इनफैक्ट कार्स 24 और स्पिनी जैसे प्लेटफॉर्म्स तो आपको न्यू कार्स की तरह जो पुरानी गाड़ियां हैं उन पर भी एक साल की वारंटी देती है। सो एज यू सी, ये एक पूरा साइकिल है जहां पर पुरानी गाड़ियों के पीछे जो नई गाड़ियों का मार्केट है वो दोनों साथ में चलते हैं। लेकिन ये नई गाड़ियाँ, ये मॉडर्न फीचर्स, सोशल स्टेटस, इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर ये चीज़ नहीं होती तो, जिसका नाम है फाइनेंसिंग। आज 80-85% इंडियंस अपनी ड्रीम कार खरीदने के लिए फाइनेंसिंग ऑप्शंस का सहारा ले रहे हैं, और कार कंपनीज भी बैंक्स के साथ टाइप करके कस्टमर्स को बेस्ट से बेस्ट डील्स निकलवाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बिक पाए। आज अगर आप एक गाड़ी लेने जाओगे तो आपको उसके ऑन रोड प्राइस के ऊपर 80-90% तक की फाइनेंसिंग मिल जाएगी। ऊपर से इंटरेस्ट रेट्स भी कम है, पेमेंट टेन्योर भी बढ़ा चुके हैं, और पार्ट पेमेंट जैसी फैसिलिटीज की वजह से आज एक अच्छी गाड़ी खरीद पाना बहुत हो गया है। इनफैक्ट अगर आज आपके पास 25,000 रुपए की भी महीने की सैलरी है तो आप आराम से 10 से 12 लाख रुपए तक की एक नई गाड़ी खरीद सकते हो। यही कारण है कि आज ज्यादातर कार लोन्स जो है वो कॉम्पैक्ट SUVs की तरह ज्यादा दिए जा रहे हैं, क्योंकि इतने पैसों में ना ये गाड़ियां बहुत आराम से आ जाती है। बट यू नो व्हाट द रियलिटी इज, कि आपको लोन पर गाड़ी खरीदवा कर ये कंपनीज आपको फाइनेंशियली और ज्यादा पीछे ढकेल रही हैं। और मजे की बात तो ये कि इसमें इन कंपनीज की कोई गलती नहीं है, अगर किसी की गलती है तो वो है हम सबके माइंडसेट में। लेट मी एक्सप्लेन। सपोज करण जो कि एक अमीर बिजनेसमैन है, उसने 10 लाख रुपए कैश देकर एक गाड़ी खरीदी। अब करण के लिए 10 लाख रुपए की गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर फिर भी वो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी एक फोटो अपलोड करता है। अब जैसे ही ये होता है तो राम जो कि मुंबई के अंदर एक मिडिल क्लास कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, वो भी ये पोस्ट देखता है। अब क्योंकि ये सेम गाड़ी राम की भी ड्रीम कार है तो उसको बहुत मन होता है इस गाड़ी को खरीदने का, मगर राम केवल 60,000 रुपए महीना कमाता है। मगर जैसे ही राम को पता लगता है कि 60,000 की सैलरी में भी वो सिर्फ 10% इंटरेस्ट पर गाड़ी उठा सकता है, वो फटाक से शोरूम पहुंचता है। अब यहां पर गलत क्या हुआ ये आपको आगे पता लगेगा। अब राम ने गाड़ी तो ले ली, लेकिन उसको हर महीने 21,187 रुपीज की EMI भरनी पड़ेगी, जो कि एक साल के बनते हैं 2,54,244 रुपीज। और ये पैसा राम को अगले 5 साल तक देना है। तो पता है 10 लाख की गाड़ी राम को कितने की पड़ी? 12,71,220 की। अब यहाँ पे जो कैच है वो ये है कि जो नई गाड़ी होती है उसका जो डेप्रिसिएशन है वो बहुत ही ज्यादा तेज होता है एज कम्पेयर टू सेकेंड हैंड गाड़ी। तो जो गाड़ी राम ने 10 लाख की ली थी, जिसके लिए उसने 12,71,220 रुपीज पे करे,
उसकी वैल्यू 5 साल बाद सिर्फ 4 लाख रुपए रह जाएगी। प्लस क्योंकि अब राम ने करण को देखकर अपनी पॉकेट से ज्यादा महंगी गाड़ी खरीद ली, तो अब उसके पास पैसे ही नहीं बचे कि वो कहीं पर इन्वेस्ट भी कर पाए। और ये कोई कहानी नहीं है, अगर आप आसपास देखोगे तो आपको ये चीज हर जगह पर होती हुई दिखाई देगी। कंपनीज गाड़ी बेचती चली जाती है और जिस गाड़ी को लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते वो वही गाड़ी खरीद कर लाते हैं। पर पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग उन टेक्निक्स के बारे में जानते ही नहीं है जिससे कि वो अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। मगर ये चीज काम कैसे करती है जरा इसको समझते हैं। मान लो कि आपको गाड़ी लेनी है या कोई भी महंगा परचेज करना है, तो आपको वो करने से पहले बस इन 4 चीजों को बहुत ही ध्यान से एनालाइज करना होगा, जिसमें पहली चीज आती है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो राम है उसने यहाँ पर अपनी गाड़ी के ऊपर सिर्फ 10% का ही इंटरेस्ट रेट नहीं दिया, बल्कि उसके पास जो बचे हुए पैसे थे जिनको वो इन्वेस्ट कर सकता था उसने वो अपॉर्चुनिटी भी खो दी। तो राम ने ना सिर्फ गाड़ी पर पैसे लूज करे मगर उस अपॉर्चुनिटी को भी छोड़ा जहाँ से वो ज्यादा पैसे कमा सकता था, और ये बनती है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर जो दूसरा स्टेप है वो है वेल्थ बैकिंग। जब करण ने गाड़ी ली तो उसने पूरे पैसे कैश देकर गाड़ी उठाई, और जो गाड़ी वो लेकर आया उसके पास उसके अलावा भी बहुत पैसे पड़े थे। मगर जब राम ने गाड़ी खरीदी तो ना सिर्फ उसने जरूरत से ज्यादा महंगी गाड़ी ली बल्कि उसके पास पैसे नहीं थे, उसने लोन लिया और उसकी सैलरी का 30% सिर्फ लोन देने में जा रहा है। तो मान लो अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो उसको खरीदने से पहले जरा ये चेक करो कि आपके पास उस चीज को खरीदने के अलावा कितना पैसा पड़ा है। फिर जो तीसरी चीज है वो है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसको बहुत ही ध्यान से समझना, जो राम है उसके पास कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि एक तो उसकी सैलरी कम है, ऊपर से ना सिर्फ उसके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं पड़े बल्कि उसने लोन भी ले लिया। मगर जो करण है उसके पास ना सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे हैं बल्कि उसने जो गाड़ी ली है वो एक बहुत ही नॉर्मल एक्सपेंडिचर है उसके लिए, क्योंकि उसके पास उससे बहुत ज्यादा पैसा है। इसीलिए अगर आप कभी भी कुछ भी खरीद रहे हो तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी चेक करो, जिसके बाद आता है ये लास्ट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप जो कि है रियलिटी चेक। ये जो भी आपने केस देखा, पता है इसमें राम को गाड़ी लेने के कुछ दिनों के बाद ये पता लगता है कि उसने जो गाड़ी ली है वो सिर्फ अपनी शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन को पूरी करने के लिए खरीदी। मगर अब दिक्कत ये कि इस गाड़ी की वजह से उसके ऊपर भयंकर कर्जा चढ़ चुका है, तो ना तो उसको खुशी मिल रही है और ना ही उसके पास जिंदगी जीने की आजादी है, क्योंकि वरना गाड़ी की ईएमआई कौन भरेगा। इसलिए अगर आपके साथ कभी भी कुछ ऐसा होता है तो खुद को उसी वक्त रोक कर बस एक बार खुद से ये सवाल पूछ लेना, क्या मुझे सच में गाड़ी लेने की जरूरत है, और अगर है तो क्या इतनी महंगी लेने की जरूरत है। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि गाड़ी एक नेसेसिटी है, चाहिए ही चाहिए, गाड़ी नहीं होगी तो ऑफिस कैसे जाएंगे, घूमने कैसे जाएंगे, और अगर बारिश में बाहर निकलना होगा तो कैसे निकलेंगे। वेल, एक बहुत जबरदस्त चीज दिखाता हूँ। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि गाड़ी चाहिए ही चाहिए और बजट भी थोड़ा टाइट है तो सेकेंड हैंड गाड़ी लो। अब इससे इज्जत का तो पता नहीं, लेकिन पैसे के मामले में आपको जो फायदा होगा वो बहुत जबरदस्त है। आओ दिखाता हूँ। मान लो आप 6 लाख की एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेकर आते हो जिसके लिए आपने 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करी और बचे हुए 4 लाख रुपए आपको अगले 5 साल में देने हैं। और पता है ऐसे में आपको महीने के कितने पैसे देने होंगे? सिर्फ 8,500 रुपए, जो कि अगले 5 साल में जाकर बनते हैं 5,09,964। अब एक बार इस अमाउंट को 10 लाख रुपए की नई गाड़ी जो आप लेने वाले थे, जो आपको 12 लाख रुपए की पड़ती, उससे कंपेयर करके देखो, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। क्योंकि जो आपने सेकेंड हैंड गाड़ी ली है ना, उसका डिप्रिसिएशन आपकी नई गाड़ी से कम होगा, तो जब आप उसको बेचने जाओगे तब भी आपको एक ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे। लेकिन एक ही दिक्कत है, वो ये कि चाहे गाड़ी नई हो या पुरानी, लेकिन मार्केट में इस वक्त इतने ऑप्शंस अवेलेबल है तो आपके लिए सही ऑप्शन क्या है ये कैसे पता लगाया जाए। तो देखो, अगर आपको ये पता लगाना है तो आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा, और अगर आपने इसको कर लिया तो एंड में आपको आपकी जरूरत के हिसाब से गाड़ी मिल जाएगी। जिसमें पहला स्टेप है सेल्फ असेसमेंट। सबसे पहले तो टाइम लेकर ये सोचो कि क्या आपको सच में गाड़ी की जरूरत है। अब इसका जवाब ना ज्यादातर लोग इमोशनली देते हैं, और इसको हटाने के लिए एक मेथड फॉलो करना होगा। मान लो आपका जवाब है हाँ, तो सबसे पहले ये देखो कि कौन कौन से फीचर्स हैं जिनसे आपको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनकी आपको कोई जरूरत ही नहीं है, जैसे वायरलेस चार्जिंग, फैंसी इंडिकेटर्स, पावर शिफ्टर्स, ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट। जो भी चीज आपके दिमाग में आ रही है सब लिखो। जब आपके पास इन सारी चीजों की लिस्ट तैयार हो तो सबसे पहले ये देखो कि क्या ये सारे के सारे फीचर्स एक सेकेंड हैंड गाड़ी में मिल सकते हैं या नहीं, और अगर नहीं मिल सकते हैं तो फिर एक ऐसा ऑप्शन चूज करो जहां पर आपको ये फीचर्स भी मिल जाए और आपके पैसे भी बचे। अब एक बार ये कर लिया तो इसके बाद आता है सेकंड स्टेप, जो कि है डिफाइन द टाइप। आपको आखिर किस टाइप की कार की जरूरत है? कार चूज करने के लिए आपको सबसे पहले वो रोड देखनी पड़ेगी जहां पर आप उस गाड़ी को चलाना चाहते हो, क्योंकि अगर रोड बेकार है तो SUV लो,
क्योंकि उसमें ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होती है और अगर आपकी रोड ठीक है तो वहां पर आप एक सेडान ऑप्शन के लिए जा सकते हो। अगेन ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन है, लेकिन इमोशनल ना होकर सिर्फ फंक्शंस के बेसिस पर गाड़ी चूज करोगे तो आपके पैसे बहुत बचेंगे। अब एक बार एक कार का टाइप चूज कर लिया, उसके बाद फ्यूल चूज करो कि आखिर आपको डीजल गाड़ी चाहिए या फिर पेट्रोल गाड़ी चाहिए। और ये सब कुछ करने के बाद आपको ये तीसरी चीज करनी है जिसको कहते हैं द मनी वैल्यू इक्वेशन। कोई भी चीज खरीदने से पहले उसका मनी वैल्यू इक्वेशन निकाल लो, जो कि कुछ ऐसे निकलता है। उस चीज की टोटल बाइंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट, कि उसको चलाने में कितना खर्चा आएगा, प्लस उसकी मेंटेनेंस, उसको डिवाइड कर दो उसके लाइफ स्पैन से। और ये जो अमाउंट आपका बनकर आता है, ये आपकी मंथली इनकम के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपके हाथ में एक प्राइस रेंज आ जाएगी और उसी प्राइस रेंज के अंदर आप अपनी गाड़ी बहुत आराम से अफोर्ड कर सकते हो। एंड फाइनली एक बार आपने ये सारी चीजें कर ली, उसके बाद आप कंफर्ट देख सकते हो, कलर देख सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको मजा तभी देंगी जब आपकी पॉकेट पर लोड ना पड़े। लेकिन पता है, इन सब के बावजूद भी जो कंपनियां हैं वो गाड़ियां बेचती जाएंगी और लोग इमोशनल होकर खरीदते जाएंगे। इमोशंस ये एक ऐसी चीज है ना जो लोगों से कुछ भी करवा सकती है, और अफसोस इसी चीज का है कि आज ज्यादातर लोग आपके इन्हीं इमोशंस का फायदा उठा रहे हैं, आपको कुछ ऐसे सपने दिखा रहे हैं जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते। करोड़पति बनने का सपना, अपने दम पर बिजनेस खड़ा करने का सपना, 20 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री होने का सपना, ये सब कुछ बेचा जा रहा है आपको और आप इनके अगले शिकार हो। जानना चाहते हो कि ये सब कुछ आखिर आपके साथ किया कैसे जाता है, तो ये राइट वाली वीडियो जरूर से देखना।